नमस्कार सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से मेरे चैनल निग्रुप सिंह ज्योग्राफी में। पिछली कक्षा में हमने भारत में खनिजों का क्लासिफिकेशन और खनिज पेटियों पर विस्तार से जो है वो एक कक्षा प्रस्तुत की थी, जिसको आप सबने देखा। आज हम उसी कक्षा को आगे लेकर चलते हैं। भारत में जो खनिजों के प्रकार है, जिनमें धात्विक, अधात्विक और ऊर्जा खनिज प्रमुख है, आज हम धात्विक खनिजों में जो लोहे के धात्विक खनिज है यानी लोहा अयस्क और मैग्नीज पर चर्चा करेंगे। तो दो यहां हम खनिजों पर बात कर रहे हैं, लोहा अयस्क और मैग्नीज। और सामान्य रूप से आप इस्पात की इंडस्ट्री में या स्टील इंडस्ट्री में इसका प्रयोग जो है वो देखेंगे। दोनों एक साथ मैग्नीज जो है इस्पात को या सॉरी लोहे को मजबूत बनाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। और लोहा जिसके उत्पादन में भारत विश्व में चौथे स्थान पर है और एशिया में हमारा सर्वोत्तम स्थान है, जो कि चार प्रकार का होता है। इसी के बाद में हम मैग्नीज के प्रमुख क्षेत्रों पर बात करेंगे, कौन सा उड़ीसा का क्षेत्र है, कौन से कर्नाटक के क्षेत्र है, उड़ीसा में सुंदरगढ़, बोनोई, इसके अलावा कर्नाटक में होसपेट, बेलारी, चिकमंगलूर, तुमकुर, चित्रदुर्ग, इन सब पर विस्तार से चर्चा करेंगे कि भारत में किस एरिया से कौन कौन से लोहे अयस्क निकलते हैं और इनके चारों प्रकारों पर। इसके अलावा हम लोहे के उत्पादन और वितरण में कौन से चार राज्य ऊपर है, कौन से नीचे है, उन पर भी बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हम पहली बात कर रहे हैं कि लोहे धात्विक खनिज। हम लोहे धात्विक खनिजों पर बात कर रहे हैं कि जिन खनिजों में लोहा साथ में उत्पादित किया जाता है। तो दो खनिज है, हम बिल्कुल मैप से इसे समझेंगे साथ में एक तो, और किस किस क्षेत्र में प्रमुख है। तो पहला बात करने वाले हैं लोहे अयस्क, यानी मिनरल जो है वो आयरन और बर्बाद हो रही है। तो इसको डिटेल से आज पढ़ेंगे, इसमें क्या क्या प्रमुख बिंदु है। तो एक बात तो पहले जो ध्यान रखनी है कि भारत एशिया का विशालतम लोहे अयस्क का भंडार रखता है। तो एशिया में हम लोहे अयस्क के भंडार में सर्वाधिक लोहे अयस्क के भंडार जो है वो भारत के अंदर है। और सामान्य रूप से लोहे के चार प्रकार है, तो चार प्रकार का लोहा जो है वो पाया जाता है। हम इसी पर बात करेंगे। नंबर ए जो है, सॉरी पहले हम मैग्नेट में बात करते हैं, सर्वोच्च से निम्न की ओर चलेंगे। पहला लोहा मैग्नेटाइट, जो कि सर्वोत्तम किस्म का होता है। दूसरा हेमेटाइट, तीसरा लिमोनाइट और चौथा है सीडेराइट। बहुत से बच्चे जो हैं चार लोहे के और चार कोयले के प्रकारों में बहुत बार उलझते हैं, एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट जो है वो कोयले के प्रकार है, जबकि मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट और सीडेराइट जो है वो किसके प्रकार है, लोहे अयस्क के चार प्रकार है। मैग्नेटाइट जो कि सर्वोत्तम किस्म का लोहा होता है, जो कि सर्वोत्तम किस्म का लोहा होता है और इसमें लोहे की मात्रा लगभग 72% तक पाई जाती है। बढ़िया बात ध्यान रखने वाली है, लोहे की मात्रा इसमें कितनी होती है, 72%। अब हमको ध्यान रखना है हेमेटाइट में लोहे की मात्रा 60-70%, इसमें 40-50% के बीच में होती है लिमोनाइट में। सीडेराइट में 48% के आसपास, यानी अगर आपने एस निकाला है तो 100% में से 48% लोहा निकलता है। भारत में आपको ध्यान रखना है सर्वोत्तम किस्म का लोहा तो मैग्नेटाइट होता है, परंतु सर्वाधिक भंडार जो है, सर्वाधिक जो भंडार है वो किस किस्म के लोहे की है, वो हेमेटाइट लोहे की है और भारत सर्वाधिक उत्पादन भी इसी का करता है। भारत
सर्वाधिक उत्पादन भी किस लोहे का करता है? हेमेटाइट लोहे का करता है। लिमोनाइट 40-50% तक मात्रा होती है, सीडराइट में लगभग 48% तक मात्रा होती है। इस बात को हम ध्यान रखेंगे। अब अपने को ध्यान रखना है कि इनका रंग कैसा होता है। मैग्नेटाइट जो लोहा होता है वो काले रंग का होता है। कौन सा रंग का होता है? काले रंग का। हेमेटाइट लोहा लाल व भूरे रंग का। ध्यान रखेंगे आप कि लाल और भूरे रंग का होता है कौन सा लोहा? हेमेटाइट लोहा। लिमोनाइट लोहा जो है वो पीले रंग का होता है। और अंतिम की बात जो करें तो ये भूरा रंग होता है इसका, सीडराइट कोयले का। अब आप एक और बात जो ध्यान रखनी है, औद्योगिक कोयला हेमेटाइट किस्म के लोहे को कहते हैं। हमको हेमेटाइट पर विशेष तौर पर ध्यान देना है। औद्योगिक लोहा भी कहते हैं हेमेटाइट लोहे को। तो चार प्रकार आपके सामने लिखे हुए हैं, इसकी हम बात करने वाले आगे कौन कौन से में कहां कहां निकलता है। तो ये चार है, ये दोनों सामान्य तौर पर उच्च कोटि के कोयले में आते हैं और ये दोनों सामान्य तौर पर निम्न कोटि के कोयले में आते हैं। इनका बहुत कम प्रयोग में लाया जाता है। तो लोहा एशिया का विशालतम भंडार है हमारे पास, चार प्रकार का है, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट, सीडराइट। सर्वोत्तम किस्म का काले रंग का लोहा मैग्नेटाइट होता है जिसकी 72% मात्रा होती है। सामान्य तौर पर अगर हम डीप बात करें, थोड़ा और डीप जाए तो बेलाडीला के आसपास से जो लोहा निकलता है वो इसी किस्म का होता है। हेमेटाइट लोहा 60-70% भारत का सर्वाधिक उत्पादन यहां से होता है, सर्वाधिक भंडार है। लाल भूरे रंग का औद्योगिक लोहा यही होता है। लिमोनाइट 40-50% पीले रंग का, सीडराइट 48% लोहे की मात्रा होती है और भूरे रंग का होता है। अब हम इनके प्रमुख खनन केंद्रों पर बात करते हैं कि कौन कौन से क्षेत्रों से लोहा निकाला जाता है। तो लोहे के प्रमुख खनन केंद्र कौन कौन से हैं, हम इसे मैप पर ही देखेंगे। और बिल्कुल बहुत बार एनसीईआरटी में, 12वीं के पेपरों में बहुत बार इससे प्रश्न आता है। फिर मैं कह रहा हूं इनके सभी के मानचित्र खनिजों के चैप्टरों के अच्छे ढंग से आप याद करेंगे। चलिए ये बात का मैप है, हम राज्य वाइज बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। और छत्तीसगढ़ में दो प्रमुख केंद्र है, एक है दल्ली राजहरा और दूसरे के साथ आप याद रखेंगे बेलाडीला। अभी हम इन पे और भी डीप देखेंगे। एनसीईआरटी वाले बच्चों, 11वीं 12वीं की तैयारी वालों को इतना ध्यान नहीं रखना कि दल्ली राजहरा जो है वो दुर्ग जिले में पड़ता है। छत्तीसगढ़ के कौन से जिले में? दुर्ग में। और बेलाडीला जो है वो दांतेवाड़ा जिले में पड़ता है, दांतेवाड़ा जिले पड़ता है। अब आपको एक और बात, अगर आप भारत की किसी भी खनिज की सबसे बड़ी यंत्रिकृत खान की बात करें तो वो बेलाडीला की खान है, लोहे यश के लिए है। भारत की सबसे बड़ी यंत्रिकृत खान यही है, भारत की सबसे बड़ी किसी भी खनिज में बात करें यंत्रीकृत माइन जो है या खान जो है वो लोहे यश की है, बेलाडीला छत्तीसगढ़ की। डिटेल से याद रखेंगे इस बात को बड़े अच्छे से। छत्तीसगढ़ उड़ीसा के साथ लगने वाला राज्य है, यहां स्थित है। तो यहां हमने दो बिंदुओं पर बात करी है, एक तो दल्ली राजहरा और एक बेलाडीला। पहला राज्य आपका ये ध्यान रखना है हमने। दूसरा है कर्नाटक। हम अन्य छोटे मोटे राज्यों पर भी बात करेंगे। कर्नाटक में
अगर हम डिटेल से बात करें तो आपके लिए तीन क्षेत्र प्रमुख है। एक मैं बात करूंगा चिकमंगलूर जिले की, इनके अंदर कौन कौन से क्षेत्र हैं। दूसरी हम इसमें बात करने वाले हैं बेलारी जिले की, और एक है चित्रदुर्ग व शिमोगा। पहले तो आपको ये नाम ध्यान रखने चार कि चिकमंगलूर, बेलारी, चित्रदुर्ग और शिमोगा चार जिले हैं कर्नाटक में जहां से लोह अयस्क की प्राप्ति जो है वो होती है। अब इसमें अगर आप बाबा बुंदन की पहाड़ियां और कुद्रेमुख को देखें तो वो कौन से जिले में पड़ती हैं, वो चिकमंगलूर जिले में पड़ती हैं। इसके अलावा बेलारी के अलावा इसके अंदर होस्पेट और संदूर जो है वो किस जिले में पड़ते हैं, बेलारी जिले में, और चित्रदुर्ग और शिमोगा। इसके अलावा अगर आप किसी और किताब को देखें उसमें तुमकुर भी लिख रखा है, उसमें एक और अन्य नाम आपको देखने को मिलेगा तुमकुर। एक आधा नाम एडवांस में चलने देते हैं, कर्नाटक जो कि यहां स्थित है स्टेट, नीचे केरल और यहां कर्नाटक, ये सभी नाम इसी के अंदर आते हैं। चिकमंगलूर, बेलारी, बाबा बुंदन, होसपेट, शिमोगा, चित्रदुर्ग, ये सभी हमको ध्यान रखने हैं कौन से हैं कर्नाटक जिले के। चलिए अब हम तीसरे जिले पे चलते हैं, राज्य में सॉरी, जिसका नाम है झारखंड। भारत में आप देखेंगे ज्यादातर लोह अयस्क के जो इस्पात की जो इंडस्ट्री है वो या तो पूर्वोत्तर भारत में या आपको दक्षिणी भारत के कुछ एरिया में ही देखने को मिलेगी, क्योंकि सामान्य तौर पर लोहा एक भारी उद्योग होता है और उसका कच्चा माल भी एक भारी उद्योग होता है, और भारी उद्योग का परिवहन जो भारी कच्चे माल का परिवहन जो है वो अत्यधिक महंगा पड़ता है। इसलिए सामान्य तौर पर भारी कच्चे माल वाले उद्योगों को कच्चे माल के समीप ही लगाया जाता है, जैसा कि लोहे इस्पात उद्योग के साथ है। इसमें झारखंड में तीन या चार नाम है, इन पर बात करते हैं। एक नोआ मंडी, गुआ, सामान्य रूप से ये दो ही बड़े फेमस हैं, नोआ मंडी और गुआ दो नाम। इसके अलावा अगर आपको ध्यान रखना है तो एक है ब्राह्मजादा और एक है किरुबिरु, और ये सभी के सभी नाम जो हैं वो पश्चिमी सिंहभूम जिले के हैं। पश्चिमी सिंहभूम जिले में पड़ते हैं, यहां आपका छत्तीसगढ़ और यहां आपका झारखंड, इधर पश्चिम बंगाल आ गया हमारा। तो झारखंड के अंदर ये सभी नाम नोआ मंडी, गुआ और आपका किरुबिरु और ब्राह्मजादा, ये सब झारखंड के हैं, जो हमारा तीन नंबर का राज्य था। नंबर चार उड़ीसा, और सुंदरगढ़, क्योंझर, बोनोई, सुल्लेपात, और बादाम पहाड़, सब के सब नाम जो है वो उड़ीसा के अंदर पड़ते हैं। और इसके अलावा एक फेमस खान है गुरु महिसानी, जो कि किस जिले में पड़ती है, मयूरभंज जिले में पड़ती है। गुरु महिसानी उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के साथ यहां स्थित, और सामान्य रूप से ये सभी नाम जो है ये हम उड़ीसा के अंदर देखेंगे। सुंदरगढ़, क्योंझर, बोनोई, सुल्लेपात, बादाम पहाड़, गुरु महिसानी और मयूरभंज जिले में। महाराष्ट्र में तीन ही नाम है, चंद्रपुर, रत्नागिरी और भंडारा, ध्यान रखने हैं महाराष्ट्र में तीन ही नाम है, चंद्रपुर, रत्नागिरी और भंडारा।
अभी हम नागपुर की बात करेंगे मैग्नीज के अंदर, जहां से अपने को कुछ रिमूव करने इनके अंदर से ही नाम। इसके अलावा ये हमारे प्रमुख बड़े नाम थे। इसके अलावा गोवा का प्रिंस सलेम बड़ा फेमस है, गोवा का प्रिंस सलेम बड़ा बढ़िया नाम है, प्रिंस सलेम साहा विक्लू में एक नाम, वो भी ठीक है। तो गोवा के अंदर दो तीन नाम है, इतने हम याद है। इसके अलावा हम बात करते हैं कुरनूल, कुड़प्पा और अनंतपुर। कुरनूल, कुड़प्पा और अनंतपुर। अनंतपुर से, वैसे अनंतपुर जो है वो स्वर्ण के लिए फेमस है, सबके सब कहा है आंध्र प्रदेश में। और आपको एक नाम ध्यान रखना है करीमनगर, जो कि कहां स्थित है तेलंगाना। ये लोह अयस्क के प्रमुख क्षेत्र थे। दोबारा से हम रिपीट करते हैं एक बार, छत्तीसगढ़ में डल्ली राजहरा और दुर्ग जिले का, बेलाडीला दांतेवाड़ा जिले का, कर्नाटक में चिकमंगलूर बेलारी जिले से कुछ नाम है, चिकमंगलूर से बाबा बोधन की पहाड़ियां और कुद्रेमुख, बेलारी से होटपेट और सुंदूर, और चित्रदुर्ग में शिमोगा अलग और एक तुमकुर। झारखंड में नोवा मंडी, गुआ, बरामजादा, किरुबिरु, सबके सब कौन से जिले में है, पश्चिमी सिंहभूम में। उड़ीसा में सुंदरगढ़, क्योंझर, बनोई, सुल्लेपात, बदाम पहाड़, गुरु वैसानी, ये सब नाम। इसके अलावा गोवा का प्रिंसलेम, महाराष्ट्र का चंद्रपुर, रत्नागिरी, भंडारा, कर्नाटक का सॉरी आंध्र प्रदेश का कुरनूल, कुड़प्पा, अनंतपुर और तेलंगाना का करीमनगर। एक वारंगल भी नाम आता है, कोई इतना डीप हमें याद रखने की वैसे जरूरत नहीं है, फिर भी वारंगल लिख लेना। ये लोह अयस्क के प्रमुख जो क्षेत्र थे ये। अभी हम कुछ प्रमुख उच्च उत्पादन वाले राज्यों की बात करते हैं, कौन कौन से हैं। तो भंडार की बात करें, अगर हम लोह अयस्क के भंडार की बात करें तो उड़ीसा, झारखंड, कर्नाटक और छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, कर्नाटक और छत्तीसगढ़ प्रमुख है। उत्पादन की बात करें तो उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, झारखंड। ठीक है, ये इनके उत्पादन और भंडार के क्रम थे। देखो उड़ीसा दोनों में पहले नंबर पर है उत्पादन और भंडार में, झारखंड जो कि भंडार में दूसरे स्थान पर है उत्पादन में, कर्नाटक तीसरे नंबर पर है। आपको झारखंड और छत्तीसगढ़ को ही चेंज करना है। ये हमारा पहला खनिज था लोह अयस्क। अब हम दूसरे खनिज पे बात करते हैं जिसका नाम है मैग्नीज। और मैग्नीज सामान्य तौर पर आपको बड़े उद्योगों में काम में देखा जाएगा, और सबसे फेमस जो इसका काम है वो है लोह अयस्क से जब इस्पात बनता है तो इसे मजबूती प्रदान करने के लिए, यानी स्टील बनाते समय इसका प्रयोग जो है लोहे के साथ किया जाता है। इसके अलावा जंगरोधी इस्पात हमने बात कर ली, शुष्क बैटरी और कांच उद्योग में भी, शुष्क बैटरी और कांच उद्योग में भी मैग्नीज काम में लाया जाता है। इसके अलावा छोटे मोटे दो तीन रसायन उद्योग है उनके अंदर भी। और सामान्य तौर पर मैग्नीज एक लोह धात्विक खनिज है क्योंकि लोहे के साथ ही निकलता है, और हमसे हमने फेमस इसके उपयोग बता दिए, शुष्क बैटरी, कांच उद्योग। इसके अलावा हमने बात की कि लोहे को मजबूत बनाने के लिए काम किया जाता है। अब एक बढ़िया प्रश्न थोड़े टिपिकल बच्चों के लिए कि भारत का 90% मैग्नीज, ध्यान रखना है भारत का 90% मैग्नीज धारवाड़ क्रम की, कौन सी क्रम की, धारवाड़ क्रम की गोंडाइट
और कोडुराइट श्रेणियों में पाया जाता है। कोडाइट व कोडुराइट श्रेणी में पाया जाता है। अच्छा प्रश्न, अगर कोई व्यक्ति आरएस मेंस में अगर आपसे मैग्नी पूछा जाता है तो एक बढ़िया आंसर राइटिंग में कि मैग्नी जो है वो धारवाड़ क्रम की गोंडाइट और कोडुराइट श्रेणियों से पाया निकला जाता है। बढ़िया बात। अब हम ध्यान रखेंगे कि भारत में सर्वाधिक मैग्नीज एमपी यानी मध्य प्रदेश, जो कि लगभग भारत का कुल मैग्नीज का 34% उत्पादन संभालता है, और महाराष्ट्र जो कि 27%, लगभग भारत का टोटल 60% मैग्नीज इन्हीं दो राज्यों से उत्पादित किया जाता है। तो एक तो बढ़िया बात कि एमपी और महाराष्ट्र दो बड़े राज्य हैं मैग्नीज के उत्पादन में। अब आपको एक ध्यान रखना है कि देश में एमपी और महाराष्ट्र की सीमा पर सबसे बड़ी मैग्नीज की बेल्ट है। अब आपको इसका इस मैग्नीज की पेटी का जो विस्तार है वो ध्यान रखना है कि ये विस्तार कहां से लेकर कहां तक है। ये विस्तार जो है एमपी के बालाघाट, एमपी के बालाघाट और छिंदवाड़ा से, एमपी के बालाघाट और छिंदवाड़ा से महाराष्ट्र के नागपुर और भंडारा जिलों तक है। नागपुर कहां तक है? भंडारा जिलों तक है इस पेटी का विस्तार। तो 60% मैग्नीज जो है वो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सीमा से निकलता है, और ये पेटी कुल यहां से लेकर यहां तक इतनी लंबी है और स्थित है। अब हम सिर्फ इसके क्षेत्रों पर बात करने वाले हैं और कौन से, पहले हम लोहे की तरह इसके भी उत्पादन और भंडार पर कम देख ले। तो मैग्नीज का भंडार कहां से है, अधिक राज्य कौन से हैं और उत्पादन कौन से राज्यों से है। अगर हम भंडार की बात करें तो उड़ीसा, कर्नाटक, एमपी, महाराष्ट्र, उड़ीसा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। उड़ीसा देश के मैग्नीज का लगभग 34% भंडार रखता है अपने पास, सॉरी 44%, 34 उत्पादन में है 44%। बढ़िया बात, एक उत्पादन में बता दिया, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र आगे आ जाएंगे। और उड़ीसा और इसके अलावा कर्नाटक जो है वो पीछे चले जाएंगे। कालाहांडी, कोरापुट, इन सब पर बात करते हैं। बालाघाट, छिंदवाड़ा पर कहां कहां प्रमुख क्षेत्र है, तो अब हम इसके खनन केंद्रों या क्षेत्र की बात करते हैं मैग्नीज। कुछ ही नाम आपको डिलीट करने और बाकी नाम आपको वैसे के वैसे ही रखने हैं। अगर आपको लोहे और मैग्नीज में सुमेल रखना है तो कुछ ही नाम आपको डिलीट करने हैं, बाकी नाम आपको याद ही रखने हैं कि कैसे कैसे हैं। चलिए बात करते हैं इसके ऊपर। अगर हम इसके अंदर बात करें उड़ीसा में, तो आपको दो नाम ऐड करने हैं। देखो उड़ीसा में हमने पहले पढ़े क्योंझर, सुंदरगढ़ और बोनोई, ये हम पहले पढ़कर आए हैं। लुहेस्क में वहां सुल्लेपात और बादाम पहाड़ अलग से दो नाम थे, उन दोनों को डिलीट करके यहां दो नाम ऐड करने हैं, कालाहांडी और कोरापुट। कालाहांडी और कोरापुट ये दो नाम आपको ऐड करने हैं। मध्य प्रदेश में दो ही नाम है, एमपी में दो ही नाम है, और एमपी का सबसे बड़ा क्षेत्र है बालाघाट, और बालाघाट के साथ आपको याद रखना है छिंदवाड़ा। तो एमपी, बालाघाट और छिंदवाड़ा। महाराष्ट्र में नागपुर, भंडारा और रत्नागिरी। अब पिछली बार हमने पढ़ा
चंद्रपुर, भंडारा और रत्नागिरी। अब आपको चंद्रपुर को हटा के क्या ऐड करना है, यहां नागपुर ऐड करना है। ये देख लीजिए आप, क्या चंद्रपुर, रत्नागिरी, भंडारा, चंद्रपुर की जगह मैगनीज में यहां क्या करना है, नागपुर करना है। और यहां वहां लोहे के साथ ही उनमें से दो हटाकर यहां कालाहांडी और कोरापुट को ऐड करना है। पहले तो ये समझना दो बातें, कर्नाटक में सब नाम वही के वही है, वही चिकमंगलूर, तुमकुर, यहां एक उत्तरी कन्नड़ जिला, ध्यान रखना आपको, एक तो उत्तरी कन्नड़ जिला ऐड करना है, परंतु बेलारी, शिमोगा, चित्रदुर्ग सेम टू सेम रहेंगे। तो ध्यान रखना है, बेलारी, शिमोगा और चित्रदुर्ग सेम टू सेम। एक तो आपने उत्तरी कन्नड़ ऐड करना है, एक आपने एक नाम है, बहुत डीप सा नाम है, दावणकेरे है, दावणकेरे, इतना डीप याद रखने की जरूरत नहीं है, उत्तरी कन्नड़ को याद रखेंगे तो सही रहेगा। आंध्र प्रदेश का एक ही नाम है, विजयनगर, विजयनगर आंध्र प्रदेश, एक नाम आपको यहां याद रखना है। झारखंड का एक ही है, पश्चिमी सिंहभूम जिला, झारखंड का वेस्टर्न सिंहभूम जिला। अब आपको राजस्थान के दो नाम ऐड करने हैं, बांसवाड़ा और उदयपुर। बांसवाड़ा और उदयपुर आपको यहां याद करने के दो नाम। गुजरात का वडोदरा और पंचमहल, गुजरात का वडोदरा और पंचमहल। और तेलंगाना का हमने वहां पढ़ा था पहले, करीमनगर और वरंगल। मैग्नीज के लिए तेलंगाना का आदिलाबाद प्रमुख है। तो ये हमारा लोह अयस्क और मैग्नीज, जो दो बड़े लोह धातु खनिज थे, वो कंप्लीट होते हैं। अगली कक्षा में हम इसी एनसीईआरटी की श्रृंखला में कक्षा 10 और 12 के दो अन्य खनिजों, बॉक्साइट और तांबा या अपरक जो है, उस पर बात करेंगे। धन्यवाद, तब तक के लिए चैनल को जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।